एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को एक स्किन वाइटनिंग सीरम की होम रेमेडी बताने वाली हूँ। ये होममेड सीरम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और अगर आप इस सीरम को 10 से 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये होममेड सीरम आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करेगा, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को वाइटर, लाइटर, ब्राइटर और रेडियंट बनाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पर कोई डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या कोई भी पिंपल्स या एक्ने हैं तो उनको भी रिमूव करके आपकी स्किन को स्पॉटलेस और क्लियर बनाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस होममेड स्किन वाइटनिंग सीरम को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें स्किन वाइटनिंग सीरम को बनाने के लिए चाहिए वो है खीरे का जूस। उसके बाद हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आधा नींबू, और लास्ट में हमें चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास प्योर एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन वाइटनिंग सीरम को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच खीरे का जूस ले लीजिए। फिर उसके बाद उसके अंदर आप आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड कीजिए। फिर आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कीजिए, और लास्ट में इस मिक्सचर में 3 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो आपका होममेड स्किन वाइटनिंग सीरम रेडी है और ये कुछ इस तरह दिखेगा। और अब मैं स्किन वाइटनिंग सीरम को इस छोटे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ, और आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं स्किन वाइटनिंग सीरम को स्टोर करने के लिए। और स्किन वाइटनिंग सीरम की शेल्फ लाइफ 10 से 20 दिन है, और इस सीरम को यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आपको सिर्फ इस सीरम को अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर उसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है, और फिर सुबह उठ के अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेना है। और अगर आप ऐसा लगातार 10 से 15 दिन तक करेंगे तो आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आएगा, और उसके साथ साथ आपके सारे एक्ने स्कार्स, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को भी ये सीरम दूर करेगा और आपकी स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोइंग, फेयर और रेडियंट बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।